मजेदार बात तो ये है यहाँ की कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो महाराज जी है वो पूरे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग आ चुके हैं चौपड़िया सरकार में और यहाँ पर आज आप लोगों को चौपड़िया सरकार धाम के दर्शन कराएंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ सेवाएं देते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर भक्तगण आए हैं और उनका प्रसाद श्री हनुमान जी लला सरकार के दरबार में चढ़ा करके और महाराज जी का आशीर्वाद लेके यहाँ से रवाना होते जाते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था और ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो यहाँ पर लोग बागों का बहुत बड़ा झुंड मौजूद था और यहाँ पर वह दर्शन कर रहे थे और उनके अंदर के जो भाव थे, जो उत्साह था, वो देखने लायक था। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अनेकों मंदिर बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर जय श्री राम यानी हनुमान जी लला सरकार का मंदिर है और आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पर जो है एक शिवालय के नाम से भी मंदिर बनाया गया है। मैं आपको बता दूँ इस मंदिर की भी अद्भुत विशेषता है, अद्भुत लीलाएं हैं। यहाँ पर भी लोग बाग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर भी दिखाएं और हमारे दर्शकों को दर्शन कराएं कि यहाँ पर किस कौन कौन से मंदिर हैं। साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है और यहाँ पर पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर जब महाराज जी से ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर समय अनुसार विधि विधान के साथ आरती भी की जाती है। यहाँ पर भी श्री लक्ष्मी जी का मंदिर है और यहाँ गोपाल जी का मंदिर है। मैं यहाँ और भी आपको ले चलता हूँ आगे, राधा रमन सरकार का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं उनके भी दर्शन करवाऊँगा और यहाँ पर शनिदेव महाराज के भी दर्शन करवाऊँगा। आप देख सकते हैं भक्तगढ़ यहाँ पर और निर्माण कार्य भी कहीं ना कहीं यहाँ पर होने जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ पर सामने आपको दिख रहे होंगे लेवल लगी है, निर्माण कार्य चालू है। यहाँ पर यह शनिदेव महाराज का मंदिर है। शनिदेव महाराज का विशेष महत्व होता है, यहाँ पर लोग बाग शनिवार के दिन दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने दुख दर्द, अपनी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है और मानना है। अब यहाँ पर राधा रमन सरकार का मंदिर है, यहाँ पर मनमोहक झांकी है और हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हमारे दर्शक ऐसी झांकियों के, ऐसे स्थानों के दर्शन करें ताकि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अनेकों जगहों के दर्शन करा सकूं, यही मेरा उद्देश्य रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो शेरावाली माता का मंदिर है और अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भोलेनाथ के विध परिवार जो है, जैसे भोलेनाथ, पार्वती जी, कार्तिक, गणेश जी, इन सभी का पूरे परिवार से एक मंदिर है और यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। इनको एक सेपरेट कांच के अंदर डिजाइनिंग द्वारा यहाँ पर विराजमान कराया गया है और यहाँ पर पूरी विधि विधान से पूजन अर्चना होती है। अब मैं आपको यहाँ भी ले चलता हूँ, यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा कितने प्यारे प्यारे भजन गाए जा रहे हैं। तब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ के दर्शन किए तब इन बच्चियों का भजन सुन के मुझे लगा कि नहीं, हमको इन बच्चियों की आवाज़ को अपने दर्शकों तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि इन बच्चियों की जो आवाज़ है, जो इनकी ताल और सुर है, जो इनकी ढोलक बजाने की कला है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अद्भुत है और मनमोहक कला को मैं इन बच्चियों की आपको गाने, जो भजन गा रही हैं, वो आपको सुनाऊंगा। इस लाइव के माध्यम से आप देखते रहिए और सुनिए कि इनकी आवाज़, जो मैं आपको बता दूं, ग्रामीण से निकले जो कलाकार होते हैं ऐसे ही कलाकार बनते हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं और बहुत अच्छा गाना गा रही, मैं आपको सुनाता हूँ।
बेटा आप इतनी अच्छी ढोलक बजाती हैं और गाना भी बहुत अच्छी गाती हैं, क्या नाम है आपका? अंजलि मिश्रा। अंजलि मिश्रा, कहाँ से हैं बेटा आप? हम ग्राम मंगवारी से। तो यहाँ पर आप कब कब आना होता है और कैसे आपने ढोलक बजाना सीखी? बहुत ही अच्छी ढोलक बजाती हैं आप। हम बस ऐसे ही सीख गए, रुचि थी तो। अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या आपके घर परिवार में कोई बजाता? हाँ, रहा है? तो बजा लेते घर में। अच्छा, और गाती भी आप बहुत प्यारा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कैसे आप के मन में आया कि हमको ये गाना चाहिए? हमें गाना शुरू से पसंद है। धार्मिक गाना गाती? हाँ। हैं, पढ़ती हैं बेटा आप? हाँ। कितने में पढ़ती? ट्वेल्थ में। हाँ। तो आप जो आपकी मित्र मंडली है, आप एक ही गाँव से हैं? सब एक ही गाँव से, सिक्स्थ क्लास से साथ में पढ़ रहे सब लोग। अच्छा अच्छा, देख सकते हो दोस्तों, ऐसे ही बच्चे आगे चल के कलाकार बनते हैं और जिस घर के संस्कार संस्कृति से जुड़े होंगे वो बच्चा कुछ ना कुछ करके दिखाता है, यह आपके सामने प्रत्यक्ष है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चियाँ बहुत प्यारी प्यारी गाना गा रही थी, मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को कुछ ना कुछ बताएं। जी बेटा, और भी जैसे आपकी उम्र की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? जिस चीज़ में रुचि है वही करें, बस और हम क्या बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो है और भी बच्चियाँ हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी बात हो जाए। जी बेटा, क्या नाम है आपका? स्वीकृति बंदेला। अच्छा जी, स्वीकृति जी, आप भी यहाँ पर इनकी ताल में ताल लगा रही थी, गाना गा रही थी जी। तो आपने कैसे सीखा? बस ऐसे ही शुरू से गाते आ रहे हैं हम दोनों साथ में स्कूल में। जी, साथ में ही पढ़ती हैं? हाँ, सिक्स क्लास से साथ हैं हम लोग जी। अभी कहाँ पर पढ़ रही हैं? छतरपुर। छतरपुर में। हाँ। पढ़ रही हैं। तो आप भजन बहुत अच्छे गाती हैं, आपने अभी एक भजन और भी सुनाया था, वो राधा रानी का, क्या वो बहुत अच्छा था। तो ऐसे भजन कौन सिखाता है आपको? अंजलि। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हो प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां हैं और इनके भाव हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, क्योंकि इनके घर के जो माहौल हैं वो धार्मिक, कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक माता पिता को सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को अध्यात्म की तरफ जरूर मोड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर बच्चियों ने जो गाना बजाने के साथ सुनाया है वो कहीं ना कहीं मनमोहक है, और ऐसे अनेकों इनके पास भजन हैं। यहाँ पर बड़े बूढ़े का आशीर्वाद भी है। फिर किसी ऐसी झन्नाटेदार खबरों के साथ आप लोगों के बीच मौजूद रहेंगे। नमस्कार।